पार्टी में आना है तो मेकअप तो होना ही चाहिए, और इस मेकअप के लिए रणवीर सिंह पहुंच गए कैटरीना कैफ के ब्यूटी पार्लर में, जहां कैटरीना ने बड़े दिल से रणवीर की आंखों में काजल लगाकर उन्हें पार्टी के लिए रेडी किया, और फिर रणवीर सूट बूट में निकल पड़े पार्टी करने। साहब बनकर आ गए रणवीर सिंह, लाल टोपी, लाल कोट, लाल पैंट और छड़ी के साथ पूरी साहबगिरी, पूरे जश्न के साथ च्यूइंग गम चबाते रेड कार्पेट पर पहुंचे रणवीर सिंह। बीच बीच में अदाबाजी के लिए रणवीर मूंछों पर ताव देना भी नहीं भूले, और सामने मीडिया के दोस्त कैमरा लिए मौजूद थे तो तस्वीरें खिंचवाना तो बनता ही था। रणवीर को पता है कि उनका टाइम चल रहा है, तो फिर दुनिया को अपने हाथ में बंधी महंगी घड़ी भी दिखानी चाहिए। इस बीच रणवीर को साइड में रखे अपने ब्लूटूथ स्पीकर की भी याद आ गई, और मौका देखकर हंसी मजाक की फुलझड़ी छेड़नी शुरू कर दी। रणवीर सामने से हटे तो लाल परी बनकर सामने आ गई कैटरीना कैफ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि रणवीर पर कैटरीना का जादू चला है या फिर कैटरीना के रंग में रणवीर रंग गए हैं। लाल गाउन की लंबी ट्रेल उनके स्टारडम की हैसियत की तरफ इशारा कर रही थी। अभी मीडिया वाले कोई सवाल पूछते उससे पहले ही वो हाथ हिलाते हुए वहाँ से निकल गयी, जहाँ उनके मेकअप सेशन के दौरान पहुँच गए रणवीर सिंह। कैटरीना ने अपनी लिपस्टिक के बारे में रणवीर को बताया तो रणवीर भी कैटरीना से अपना मेकअप करने के लिए कहने लगे, लेकिन कैटरीना ने रणवीर को लिपस्टिक के बजाय काजल लगाने की सलाह दी। कैटरीना ने खुद अपने हाथ से रणवीर की आंखों में काजल लगाया। कैटरीना ने के नाम से अपनी ब्यूटी लाइन लॉन्च की है। इसके लिए कैटरीना ने बड़े स्केल पर मार्केटिंग की रणनीति बनाई। उन्होंने न केवल खुद मेकअप आर्टिस्ट बनकर अपना और रणवीर का मेकअप किया, बल्कि मुंबई के बेहतरीन फोटोग्राफर के साथ फोटोशूट भी कराया। I think makeup is one area where I don't need to ask any of my wonderful male colleagues for too many tips, but I was happy to give them. I don't know if you got a chance to see my video with Ranveer that we did the other day. Ranveer Singh aur Katrina ki in nazdeekiyon ko dekhkar dono ke fans to fans, industry ke tamam hero heroine bhi hairan reh gaye, kyunki Ranveer aur Katrina ki dosti ki kahani kai mod liye hue hai. कैटरीना कभी सलमान खान के दिल के बहुत करीब हुआ करती थी, फिर कैटरीना की जिंदगी में रणबीर कपूर आए, जिनकी दोस्ती उन दिनों दीपिका पादुकोण से हुआ करती थी। दीपिका ने कैटरीना की वजह से रणबीर पर दिल तोड़ने का आरोप लगाया और रणबीर सिंह के साथ शादी कर ली। और मजे की बात यह है कि रणबीर सिंह आज कैटरीना के ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लगता है इन गुजरे हुए किस्से कहानियों का कैटरीना और रणवीर के साथ साथ उनके दोस्तों पर भी असर नहीं पड़ता। तभी तो रणवीर और कैटरीना के दोस्त अर्जुन कपूर ने मौका देखकर दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझे भी सम्मोहन के लिए स्मोकी आईज चाहिए। इसके बाद अर्जुन कपूर ने एक और मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, तुम दोनों इस तरह के लाइव प्रचार के लिए अलग अलग शहरों का दौरा कर सकते हो या कम बजट के स्कूल के नाटक भी कर सकते हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन कैटरीना अपनी धुन में मगन है और अब बाजार में अपनी ब्यूटी लाइन को लॉन्च कर बिजनेस वुमन भी बन गई हैं। इंतजार इस बात का है कि क्या रणवीर सिंह की तरह उनके पुराने दोस्त सलमान और रणबीर कपूर भी इसकी मार्केटिंग में कैटरीना की मदद करेंगे। सलमान खान कोई नई डिश लेकर आए या फिर किसी नई एक्टर को, उसकी हर तरफ चर्चा अपने आप होने लगती है। तभी तो फिलहाल उनकी आने वाली फिल्म दबंग 3 की नई एक्टर साई मांदरेकर की चर्चा हर तरफ हो रही है। खुले बाल, मासूम चेहरा, माथे पर छोटी सी बिंदी और प्यारी मुस्कुराहट वाली ये है बेबी खुशी, जिनकी तारीफ चुलबुल पांडे ने भोजपुरी में कुछ इस अंदाज में की। मासूम चेहरे वाली बेबी खुशी के बारे में बता रहे चुलबुल पांडे की शर्ट का रंग गुलाबी है, जो इशारा कर रहा है कि फिल्म में बेबी खुशी चुलबुल पांडे की जिंदगी के उस हिस्से में दिखाई देंगी जिसमें सलमान 20 से 24 साल के लड़के के रोल में दिखाई देने वाले हैं। दबंग 3 से फिल्मों में एंट्री कर रही साई मांजरेकर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सलमान ने एक के बाद एक दो ट्वीट किए और साई की मासूमियत को कई अल्फाजों में पिरोने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, हमारी बेहद मासूम खुशी। सोनाक्षी सिन्हा ने भी बेबी खुशी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए लिखा, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हिम्मत, स्वागत कीजिए खुशी का। हालांकि सलमान पहले ही आईफा अवार्ड में साई मांजरेकर के साथ दिखाई दे चुके हैं और उनके दबंग 3 का हिस्सा बनने पर तारीफ भी कर चुके हैं। तो ये है साई,
साई मांजरेकर दबंग यस दबंग ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग फिल्म है। मासूम चेहरे वाली साई मांजरेकर और सलमान की शूटिंग के दौरान कई तस्वीरें लीक हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि सलमान की जोड़ी अपने से आधी उम्र की साई के साथ कैसी लगी। कुल मिलाकर ये तो तय है कि दबंग 3 में सलमान की जोड़ी दो अलग अलग लड़कियों के साथ दिखाई देने वाली है, एक चुलबुल पांडे और रज्जो की जोड़ी और दूसरी चुलबुल पांडे और बेबी खुशी की जोड़ी। चूँकि सलमान जिंदगी के दो अलग अलग पड़ाव पर इन दोनों के साथ रोमांस करते दिखेंगे, ऐसे में सवाल जरूर उठेगा कि उनकी जोड़ी किसके साथ ज्यादा बेहतर लग रही है, सलमान और सोनाक्षी की जोड़ी या फिर सलमान और साई मांजरेकर की जोड़ी। वैसे चुलबुल पांडे की जोड़ी किसी के साथ भी अच्छी लगे, लेकिन फिल्म 20 दिसंबर को सलमान के फैंस का खूब मनोरंजन करने वाली है, ये बात तो पक्की है।